शादी में इतना दूर भी नहीं था। और यहां वो रहमत जो प्यारे महबूब की सूरत में अल्लाह ने उनको अदा की, तो अल्लाह ने उनके छातियों में इतना दूध पैदा किया कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने हारिस भी सैर होकर पीते हैं और अल्लाह के प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सैर होकर पीते हैं। और पहला मरहला था कि जब उन्होंने अपनी ऊंटनी का दूध निकालना चाहा, तो अजीब बात है कि ऊंटनी ने आज रूटीन से हटकर जो दूध दिया, इन मियां बीवी दोनों ने, प्यारे महबूब के रज़ई वालिदैन दोनों ने सैर होकर वो दूध पिया। और फरमाती हैं, अरसा के बाद मैंने सुकून की, मुझे नींद आई और हमें सुकून मिला। तो सुबह जब हुई तो हारिस कहने लगे, हजरत हलीमा के शोर, कि तालिमी वल्लाह या हलीमा लकद अखज़्त निस्मतम मुबारका, तू जानती है तूने बड़ा मुकद्दर वाला बच्चा उठाया है। तो हजरत हलीमा फरमाती हैं, वल्लाह इन्नी लअर्जु ज़ालिका, अल्लाह की कसम में अल्लाह से यही उम्मीद करती थी कि मुझे अल्लाह ऐसा बच्चा अता करेगा। और उसके बाद उन्होंने अपने वापसी का इरादा किया, बेतुल्ला शरीफ में ले गई, दोनों हाथों में उठाया हुआ प्यारा नबी उनकी रहमतें उनकी बरकतों का मुशाहिदा कर चुकी थी। तो कहा कि मैं अल्लाह के घर में जाकर अल्लाह से हिफाजत की दुआ मांग लूं। और वो जब बेतुल्ला शरीफ में तशरीफ ले गई तो वहां पर उठाया गोद में और कहा, या रब्बे दातियतन फअबहि, या रब्बे दातियतन फअबहि وَآلِهِ لَلْعُلَى فَأَرْقِهِ, اے میرے پروردگار جب یہ گوہر نایاب مجھے عطا کر دیا ہے تو آپ اس کی حفاظت بھی فرمانا اور اس کو بلند درجات اور اعلی مراتب عطا کرنا۔ خوب دعا مانگی اور اس کے بعد اپنا سامان باندھا۔ आज सवारी ने अजीब शोखी दिखाई है और हारिस आगे अपने बच्चे को गोद में लेकर सवार हो गया। इसे रूटीन में मर्द आगे बैठता है, तो हजरत हलीमा प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर पीछे बैठ गई सवारी पे। सवारी ने चलना छोड़ दिया, तुमने क्या इसको क्या हो गया, अभी तो इतनी शोखियां दिखा रही थी। बात समझ में आ गई, उतरे और हजरत हलीमा प्यारे महबूब को लेकर आगे बैठी और हारिस पीछे अपने बेटे अब्दुल्ला को लेकर बैठा। तो सवारी ने चलना शुरू कर दिया और आज उसकी चाल और रफ्तार कुछ मुनफरिद थी। तो और देखने लगी कि हलीमा लगता है आज कुछ सवारी उन्होंने तब्दील कर दी, तेरी आते हुए जो सवारी थी उसने हमें कितना लेट किया था और वो पीछे रह गई थी। तो फरमाने लगी, हजरत हलीमा की सवारी तो नहीं बदली, सवार बदला है, और जब सवार बदल जाता है तो सवारियों के अंदाज बदल जाया करते हैं। और जब सफर का आगाज हुआ तो वो सारी की सारी पीछे रह गई, हजरत हलीमा की सवारी आगे निकल गई। और एक वो दिन था कि ये सारी की सारी आई और चक्कर लगाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर चली गई और प्यारे मोहम्मद को अकेला छोड़ दिया, जो अकेले रब का पैर जो है इबादत करने वाला नबी है।
तो आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पीछे छोड़ दिया और आपकी सवारी इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ी कि वो मंजर जब किसी ने बयान किया, जब आए थे तो पीछे थककर मैं जाती थी मंजर से। सवारी की कैफियत क्या थी? जब आए थे तो पीछे थक कर रहे जाती थी मंजिल से, वो अपने आप ही को लेकर चल सकती थी मुश्किल से, मगर आज उसने दिखलाई कुछ ऐसी तेज रफ्तारी, मगर आज उसने दिखलाई कुछ ऐसी तेज रफ्तारी, तो आगे चल रही थी अब वो पीछे रह गई सारी। प्यारे महबूब की सवारी पे सवार होते हैं तो सवारी का अंदाज ही बदल जाता है। हलीमा की सवारी पे सवार हुए तो उसकी शाम बदल गई। बुराक की सवारी अल्लाह ने भेजी मेराज के मौके पे, उस पे प्यारे महबूब सवार हुए तो उसकी शान अनोखी हो गई। और एक मौका आया कि अबू बकर सिद्दीक ने सवारी के लिए अपने कंधे पेश किए गारे सोर पे जाते हुए, तो अबू बकर की शान ही बदल गई और मकाम बुलंद हो गया। तो ये प्यारे महबूब की शान है कि जिस सवारी पे आप सवार होते हैं तो उस सवारी की शान बदल जाया करती। और हजरत हलीमा सबसे आगे पहले पहुंच जाती और सूरत हाल ये थी कि अरसे से बारिश नहीं हुई, आहत साली है, किसी सब्जे का नाम नहीं है। और घर में आते साथ ही खुशगवार तब्दीली यहां भी महसूस की, प्यारे महबूब जिस गोद में होंगे तो उस गोद में रहमतें होंगी, प्यारे महबूब जिस सवारी पे सवार होंगे तो वो सवारी जो है उसकी शान बदल जाएगी, प्यारे महबूब जिस सफर में साथ होंगे तो वो सफर मुबारक होगा, प्यारे महबूब जिस हुजरे और खेमे में जाएंगे तो उसकी शान बदल जाएगी। मैं कभी सोच रहा हूं कि अल्लाह तेरी शान बहुत बड़ी है, तूने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के महल में करा दी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की परवरिश अजीज मिस्र के महल में करा दी, अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश के लिए हलीमे का हजरत हलीमा का झोंपड़ा जो उसने इंतखाब किया, इसमें क्या हिकमतें हैं कि प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं भी तशरीफ, यहां पर सबसे का नाम नहीं, खुशकसाली की वजह से जानवर कमजोर हो चुके, लागर हो चुके, ये प्यारे महबूब की वहां आमद की बरकत थी। मजलिसे आलम में को जाने बहार आ ही गया, मजलिसे आलम में को जाने बहार आ ही गया, बूटे बूटे पत्ते पत्ते पर निखार आ ही गया। और उन रहमतों का सूर हुआ, किसी ने उस मंजर को इस तरह भी बयान किया, गर्द शान से माई हलीमा अपने घर को आई, गर्द शान से माई हलीमा अपने घर को आई, मताए दुनिया भी बहुरबी आगोश में ले आई। यहाँ पर काम था हर सुन दाना था न चारा था, कि अब तक मीना न बरसता जिसका सहारा था, हलीमा की जमीन कहा सब लोगों से बदतर था, बेकार थी जमीन जिसका ज्यादा हिस्सा बंजर था,
बोले आई थी घर में उस सामान रहमत को मिटाया जिसकी जात पाक ने हर एक जहमत को, वो जहमत रहमत में बदल गई। तो मेरे दोस्तों, प्यारे महबूब की विलादत की रहमत है और प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन की रहमत है और प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी रहमत है और आपकी लाई हुई शरीयत भी रहमत है। और आज हम अगर ये रहमत हासिल करना चाहते हैं तो प्यारे महबूब तो दुनिया से पर्दा फरमा गए, लेकिन प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और प्यारी प्यारी अदाएं और शरीयत आज भी हमारे पास मौजूद है और कुरान जो प्यारा नबी ने कराया वो हमारे पास आज भी मौजूद है। हम इस शरीयत पे अमल करेंगे, प्यारे महबूब की तालीमात पे अमल करेंगे और प्यारे महबूब के लाए हुए कुरान पे अमल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला रहमतों की बारिश बरसाएगा और हमारी बंजर जमीन सोना उगलना शुरू कर देगी और हमारे खेत सरसब्ज और शादाब हो जाएंगे। आज भी अल्लाह की रहमत मुतवज्जी हो जाएगी, लेकिन जरूरत इस बात की है कि प्यारे महबूब की लाई हुई शरीयत को हम अपनाने वाले बन जाएं। आज हमने शरीयत को छोड़ा, शरिया जमात को छोड़ दिया, अल्लाह की रहमत हमसे रूठ चुकी और 77 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, जहां पर शुरू ही में कादी आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमा दिया था कि ये रियासत सूद से पाक होगी, लेकिन हम सूद से अपनी जान न छुड़ा सके। और ये ऐसी लानत है सूद कि जिस माशरे में सूद आता है वो माशरा तबाह बर्बाद हो जाता है। और मैं एक हदीस पढ़ रहा था, अल्लाह 40 साल तक मोहलत देता है सूदखोर को, 40 साल के बाद उसकी पकड़ जब शुरू होती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जलील कर देता है। और आज यूरोप के बहुत सारे इदारे दिवालिया हो चुके हैं और मुझे प्यारे महबूब का वो इरशाद नजर आ रहा है कि प्यारे महबूब ने फरमाया कि एक वक्त तक मोहलत मिलती है लेकिन फिर अल्लाह की पकड़ आती है। उन लोगों पे अल्लाह की पकड़ आ चुकी है, उनके इदारे तबाह हो चुके, उनके इदारे दिवालिया हो चुके हैं और वो भी सूद की लानत से अब जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, ये प्यारा मुल्क अगर आज यहाँ पर शरी निजाम हो, सूद से पाक मालियाती और माशी निजाम हो तो अल्लाह की रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होगा और इंशाअल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा। दो चीजों से अल्लाह हमारी जान छुड़ा दे, एक सूद से जान छुड़ा दे और एक डॉलर से जान छुड़ा दे, आप यकीन जाना कि हम जाने कि हमारा मुल्क तरक्की करेगा। हमारे पड़ोस में वो दरवेश सिफत हो और कई सालों से जंग की जद में तबाह हाल वो मुल्क था, आज वो आपसे ज्यादा खुशहाल की हुए, उन पे किसी का कर्ज नहीं है, उनका कर्ज भी उन ताकतों पे है, अमेरिका पे उनका कर्ज है, अजीब बात है, और वो हमसे ज्यादा खुशहाल है। क्यों? क्यों उन्होंने सूद को छोड़ दिया, डॉलर को छोड़ दिया और आज वो खुशहाल है। और हम इन दोनों चीजों से जान नहीं छोड़ाएंगे तो IMF के सिकंजे में जकड़े जाएंगे और फिर हम जब हमें कर्जा मिलेगा तो हम बगली बजाएंगे और खुशी मनाएंगे कि वाह 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 हमें तो कर्ज मिल गया है। कर्ज पे खुश होना चाहिए भाई कि कर्ज पे रोना चाहिए? आज हमारी यह हालत बनी है कि हम कर्ज मिलने पे खुशी मनाते हैं। तो प्यारे महबूब की तालीमात आज भी मौजूद हैं, प्यारे महबूब की लाई हुई शरीयत आज भी मौजूद है, प्यारे महबूब जो कलाम पाक लेकर आए वो आपकी मौजूद है। आज भी हम प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को अपनाना शुरू कर दिए, रब की काबा की कसम हमारा ये मुल्क जो है इसे अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो तो अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और ये 26वीं तरमीम में जो बहुत सारी चीजें जो हुई हैं उनमें से जो बेहतर चीज है वो ये सूद के हवाले से जो फैसला है, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की तारीख में। 77 साल में, हालांकि विफाक की शरी अदालत ने बहुत पहले ये कह दिया था कि भाई सूदी निजाम खत्म हो, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसमें रुकावटें डाली थी। आज अल्लाह का शुक्र है कि ये कानून का हिस्सा बन रहा है, इंशाअल्लाह अब हमारा मुल्क तरक्की करेगा और इंशाअल्लाह अब अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा। हम 77 साल से अल्लाह उसके रसूल से जंग कर रहे हैं
और अल्लाह ने फरमा दिया था कि या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिन रिबा, ए लोगो अल्लाह से डरो, सूद में से जो भी बाकी है उसको छोड़ दो। फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहब्बिन मिन अल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम इसे नहीं करोगे तो अल्लाह उसके रसूल के साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। और 77 साल से अल्लाह उसके रसूल के साथ हम जंग कर रहे हैं और हम किसे तरक्की करेंगे? और हम फिर ये ख्वाब देखेंगे हमें तरक्की मिले, हमारे मुल्क को तरक्की मिले। तो आज ये बड़ी अच्छी खबर है, उन किरदारों को, उन लोगों को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने इसमें जिनकी जो जो काविशें हैं और जो जो किरदार है, अल्लाह उनको पूरी कौम की तरफ से जजाए खैर अता फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि प्यारे महबूब जब वहां तशरीफ ले गए बनी साथ में, तो वहां पर अल्लाह की रहमतें और अल्लाह की बरकतें और उन पर नुज़ूल हुआ और वहां जो है इलाका सरसब्ज और शादाब हो गया। और जो है वहां पर हजरत हलीमा के उस हुजरे में और उस घर में अल्लाह की रहमतें और बरकतें थी। और वो जो औरतें प्यारे महबूब को छोड़कर आई थी ना, तो यहाँ पर प्यारे महबूब उनको छोड़कर पहले पहुंच चुके थे, वो बाद में पहुंची थी। और वो बड़ी हसरत से देख रही थी कि हमने कितनी बड़ी गलती की है, किस गौर नायाब को हमने खो दिया है। लेकिन ये फैसले ऊपर से होते हैं। बहुत सारे इंसान जो है उनको अपनी अकल पे बड़ा नाज होता है, लेकिन इंसान कदम कदम पे ठोकरें खा जाता है और जनाब अली नुकसान उठाता है, लेकिन फिर भी उसको अपनी अकल पे नाज होती। तो हजरत हलीमा की बेटी हजरत शीमा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाती हैं और चूमती हैं और खुश होती हैं। और उन्होंने जो लोरियां उस वक्त जो है तो कही थी हुजूर को उठाते हुए और खिलाते पिलाते हुए, तो वो तारीख के औराक पे वो मौजूद हैं। और वहां पर शुरू में वो ये कहती हैं, हादा अखिली लम तले दो उम्मी, हादा अखिली लम तले दो उम्मी, वलैस मिन नस्ले अभी वम्मी, ये वो मेरा भाई है जिसको मेरी माँ ने नहीं जाना, ये वो मेरा भाई है कि मेरे बाप और चाचा की नस्ल से नहीं है, लेकिन इसकी शान बड़ी निराली है। अल्लाहु अकबर। और वो कहती है कि फदईतुहु मिन मखूनि मअम्मी, मैं अपनी जान इसलिए इस पे निछावर करती हूँ, इसकी शान बुलंद है, इसके चाचे और मामों की शान बुलंद है। फअम्मी अल्लाहुम्मा फी मा अम्मी, ए अल्लाह तूने बहुत सारे लोगों को शान और शौकत और कुव्वत अता की, या अल्लाह मेरे इस भाई को भी शान और शौकत और कुव्वत अता फरमा दे। और एक मुकाम पे जो है प्यारे महबूब को उठाकर तौलिया देती है और दुआ भी करती है साथ साथ, या रब्बना अग़फिरना अन मुहम्मदा, या रब्बना अग़फिरना मुहम्मदा हत्ता राहु यरफ़ऊ अमसदा, ए हमारे परवरदिगार हमारे लिए प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलामत रखना यहाँ तक कि हम उसे घबरू जान देखें। वाती ही इज्जत यदोम अबदा, ए अल्लाह हमेशा की इज्जतें और बुलंदियां अता फरमाना। अल्लाहु अकबर। वक्बिद आलियुमा वल हुसदा, या अल्लाह जो हासिब और इनके दुश्मनी उनको नाकाम कर दे। सुम्मा अराहु सय्यदन व मुसम्मदा, फिर मैंने अपने भाई को सरदार और सालार देखूं। ये उन अशार का मफहूम है। अल्लाह की शान देखें, मक्का फतह हो गया, कई साल गुजर गए और जंग हुनैन है और वहां पर हजारों लोग कैदी बनकर आ गए और बहुत सारे जो है माल मवेशी भी और बहुत सारे माल गनीमत, और वो कैदी बनकर जब आए तो एक औरत सहाबा इकराम से कहती है कि मैं तुम्हारी नबी की बहन लगती हूँ। तो सहाबा इकराम बादब हो गए और उनको लेकर प्यारे महबूब की खिदमत में पेश किया और उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं आपकी बहन हूँ, मैं शीमा हूँ, और मैं एक बात आपको बताती हूँ
एक निशानी आपको बताती हूँ। और बाद ने फरमाया कि वो मोहर नबूवत थी जो दोनों शाम के मुबारक थी, और बाद ने किसी और निशानी का जिक्र किया। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए और फिर कहने लगी, मेरे प्यारे भाई, ये दुआ तो मैं मांगी थी कि अल्लाह आपको सरदार व सालार बनाए, लेकिन मैंने तो ये नहीं मांगा था कि आज मैं हथकड़ियों में अपने भाई के पास जो हो कैदी बनकर आऊं। तो हुजूर ने फरमाया कि तूने क्या दुआ मांगी थी? तो हजरत शीमा ने ये अल्फाज सहाबे किराम की मौजूदगी में दोबारा पढ़े, या रब्बना अग्फिर लना मुहम्मदा हत्ता अराहु याफियां व मुज़दा थुम्मा अराहु सय्यदा व मुसव्वदा वक्बिद आदियहु माहु वल हुस्सदा अपनी शान वाली वो कमली जिसका कुरान में जिक्र है बिछा दी, अपनी बहन को बिठाया और हाल अहवाल खैर खैरियत पूछी और बहुत एहतराम के साथ सर फरमाया कि बहन मेरे पास रहना चाहती है तो बड़ी शान के साथ रहे, और अगर जाना चाहती है तो मैं तेरा बंदोबस्त कर देती हूँ। फरमाने लगी, मैं तो जाना चाहती हूँ अपने खानदान में, लेकिन अपने भाई का कलमा पढ़ के जाना चाहती हूँ। और उन्होंने प्यारे नबी का कलमा पढ़ा, और जब वो रुखसत होने लगी तो प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे तोहफे दाए और हादी है और गुलाम और बांदियां और उस वक्त के लिहाज से ऊंट और जानवर वो दिए, और वो रुखसत होने लगी तो उनके खानदान के लोगों ने कहा कि शीमा हमारा क्या बनेगा? वापस पलटी और आकर कहा कि मेरे भाईजान, मेरे खानदान के हजारों मर्द औरत बेटी हैं, इनका क्या बनेगा? मैं उनकी सिफारिश करने आई हूँ। प्यारे महबूब ने फरमाया, मेरी बहन, तेरी सिफारिश कबूल है। हजारों लोगों को कैद से आजाद कर दिया, यहाँ तक कि तकसीम शुदा माल गनीमत भी सहाबा इकराम ने वापस कर दिया और उन लोगों को वापस लौटा दिया। और वो लोग तो जब मिले और उन्होंने ये मंजर देखा तो सबने मिलकर कहा कि इस नबी का कलमा पढ़ कर जाते हैं, और 6000 लोगों ने एक जुबान प्यारे नबी का कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिजा गूंज उठी और मुझे प्यारे महबूब की वो रहमतें और बरकतें नजर आई कि हजरत शीमा की गोद में प्यारे महबूब का बचपन गुजरे, और हजरत शीमा जो है वो ईमान से और ईमान की दौलत से कैसे महरूम रह सकती है। उन्होंने ईमान की दौलत हासिल की और पूरे खानदान के सारे लोग मुसलमान हो गए। इंशाअल्लाह इस मौजूद को लेके चलेंगे, वक्त पूरा हो गया। अल्लाह हमें सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। वाखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह।